हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। मैं बहुत 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 अच्छी हूँ, देख के पता चल रहा होगा राइट। सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। सो गाइस, मेरे जो सारे व्यूअर्स हैं, जो सारे दोस्त हैं, जो लोग मुझे अभी के लिए देख रहे हैं, उन सभी लोगों को शुभ नवरात्रि और आने वाले दुर्गा पूजा के लिए भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुभेच्छा। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दुर्गा पूजा आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, और आप लोगों को पता ही कि मैं बंगाली हूँ, प्योर बंगाली जो बोलते हैं ना, वो एकदम वो वाली हूँ। सो इस वजह से अगर आज की एक्साइटमेंट में थोड़ी बहुत गलती हो जाए बात करने में, सो प्लीज उसको माफ कर दीजिएगा, और जो सारे लोग अपने इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ, ये देख सकते हो, ये है शालीमार कोकोनट ऑयल, जो नॉर्मल वाला एकदम ऑयल होता है ना, एकदम वही थोड़ा सा मैं ले लूंगी। और ये है एरोमा मैजिक का कैस्टर्ड ऑयल, जो मैं काफी टाइम से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है आपकी हेयर रूट को स्ट्रेंथ करने में। थोड़े अमाउंट ले रही हूँ और मैं थोड़ा सा पतंजलि एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एलोवेरा जेल चूज करते हैं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ये, और ये भी काफी अच्छा ब्रांड है, मैं थोड़े अमाउंट में ले रही हूँ। आप अपने बालों के हिसाब से ले सकते हो, देख सकते हो मैंने ले लिया है, और ये देख सकते हो ये आपको कहीं पे भी ऐसा स्पून मिल जाएगा। सो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सो देख सकते हो एकदम थिक वाला जो पेस्ट है ना, वो रेडी हो गया है। आप इसको अपने बालों के एकदम जो स्कैल्प है उसके ऊपर लगाइए, और उसके कुछ आफ्टर 15-20 मिनट्स तक रहने दीजिए। फिर आप लोग देखिए कि आपकी बाल की जो फ्रिजीनेस है, जो एकदम रूखी सूखी हो गई थी, वो एकदम सॉफ्ट सी नॉर्मल वाली हो जाएगी। बहुत अच्छी, कोई भी इनमें कोई भी हानिकारक कुछ भी नहीं है। ये जो एलोवेरा जेल है ये आपके सॉफ्ट करता है आपके बालों को, और ये जो कोकोनट ऑयल है ये एकदम नॉर्मल वाली ऑयल है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और एरोमा मैजिक की जो कैस्टर ऑयल है वो मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप इनको बिना झिझक के इस्तेमाल कर सकते हो। आप और कोई भी ब्रांड की ऑयल, एलोवेरा जेल या फिर कस्टर्ड ऑयल ही यूज कर सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है गाइज। आप प्री शैम्पू, मतलब शैम्पू करने से पहले थोड़े देर के लिए इनको तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से अपने हेयर की जो स्कैल्प है उस पर अच्छे से लगा लीजिए, और 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक, अगर अच्छा हो सके तो 20 मिनट तक छोड़ दीजिए उनको। गाइज, मैंने आज एक हेयर पैक शेयर किया है, सो उसके वजह से आप अपनी जो फ्रिज फ्री हेयर पा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ब्रांडेड कंपनी की कुछ भी प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना कुछ हार्म किए, बिना कुछ टेंशन लिए, आप बेझिझक घर में इनको पैक बना सकते हो, और ये पैक बना के लगा सकते हो, और इसमें कोई भी हार्म नहीं होगा। और जो मैंने 3 इन्ग्रीडियंट्स दिए हैं वो एकदम मतलब मार्केट में, लोकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, और एकदम मतलब घर में ही मिलता है। कोई कोई जो लोग हम लोग मतलब कभी कभी रख भी देते हैं, तो अगर आप ये ट्राई करते हो तो प्लीज़ इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या होता है ये हमेशा मैं मतलब देख रहे हो कि अभी तक मैंने अपने बालों में जो है ना कुछ भी नहीं लगाया है दोस्तों, कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ नहा के थोड़ा बहुत मेकअप में दे के बैठी हूँ, कुछ भी नहीं लगाया है दोस्तों। वही पैक मैंने इस्तेमाल किया है, और उसी से मेरी जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा वेवी एंड कर्ली है, सो इस वजह से मेरी बाल बहुत फ्रिज एंड टैंगल्ड हो जाती है, पर उससे मुझे बहुत आसानी मिलती है, बहुत आसानी मिलती है, और मेरी जो बाल होती है ना वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अपने बाल को मैनेज करने में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग। So warm when I want love, it's you.